ताजनगरी आगरा से होकर गुजरती यमुना इसे दो भागों में बांटती है। इसका उत्तर पूर्वी भाग एतमादपुर विधानसभा कहलाता है। एक तरफ यमुना और तीन तरफ मथुरा, एटा और फिरोजाबाद जिलों से घिरी ये विधानसभा तहसील मुख्यालय भी है। 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव के दौरान ये विधानसभा अस्तित्व में आई। उसके बाद तीन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ये विधानसभा खत्म कर दी गई। यहाँ वर्तमान में बीएसपी के डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अगर पार्टी की बात करें तो पिछले चार चुनाव में से तीन बार बीएसपी जीती। एकमात्र चुनाव सपा ने 1993 में जीता। बीजेपी का यहाँ कभी खाता भी नहीं खुला। 2002 में आरएलडी के खाते में गई ये सीट। 1996 में बीएसपी के गंगा प्रसाद पुष्कर चुनाव जीते। 2002 में गंगा प्रसाद पुष्कर आरएलडी की टिकट पर जीते। विधानसभा के समीकरणों पर नजर डालें तो यहां सवर्णों का दबदबा रहा। सर्वाधिक 21% मतदाता ठाकुर समाज से हैं। विधानसभा बनने के बाद ये सीट सुरक्षित रही। पहली बार 2012 में सामान्य कैटेगरी में सीट आई। कोई भी महिला यहां से विधायक नहीं बन पाई। बीजेपी की बेबी रानी मौर्य 2007 में दूसरे नंबर पर रही। लगभग 4,10,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर 2.25 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं और 1,80,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो ठाकुर 21%, यादव 8%, बघेल 7%, ब्राह्मण 6%, चार 4%, बनिया 3%, कोरी 2%। यही जाति समीकरण पिछले चुनाव में डॉक्टर धर्मपाल को चुनाव जिताने में मददगार रहे। खुद ठाकुर जाति से ताल्लुक रखते हैं, साथ ही बीएसपी के दलित वोट भी उन्हें मिले, जिस वजह से सपा के प्रेमपाल सिंह बघेल को 8,504 वोटों से हराने में कामयाब रहे। पेशे से प्रोफेसर डॉक्टर धर्मपाल 2007 से 2012 तक दयालबाग विधानसभा से जनमोर्चा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। उस वक्त धर्मपाल आगरा से सांसद रहे राजोबा के करीबी माने जाते थे, लेकिन राजोबर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से बीएसपी में शामिल हो गए। उससे पहले 2002 चुनाव में सपा के टिकट पर दयालबाग से चुनाव हार भी चुके थे। इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे डॉक्टर धर्मपाल से हमने सवाल पूछा, आखिर किन कामों को लेकर वो इस बार जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर उन्होंने दिया, उसकी पड़ताल हमने की, आखिर अपने दावों में धर्मपाल पास होते हैं या फेल। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे शहरी क्षेत्र में पीने की पानी की, जो हमारा जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो पीने की पानी के लिए पानी बिकता था। वहाँ की हमारी जो गरीब जनता थी, मध्यम वर्ग की जनता थी, वो पानी को खरीदने का काम करती थी। मैंने प्रयास किए, कई बार मामले को विधानसभा में उठाया, हमने, हमारी पूरी पार्टी ने, हमारे सभी संगठन ने बीएसपी के एक जोरदार आंदोलन किया कमिश्नर साहब के यहाँ। तो वो 33 करोड़ की योजना बस शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है और बहुत जल्दी इसी महीने भरपूर रूप से हमारे यमुना पार के लोगों को पानी मिलने लगा है। उसमें सादरा के लिए भी हमने अलग से एक नई पाइपलाइन डलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा काम था शहरी क्षेत्र के लिए। आगरा के यमुना पार का इलाका मुगलिया शहर भी कहा जाता है। यहाँ दशकों से लोग पानी के लिए परेशान हैं। हमने लोगों से बात की तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। पानी की समस्या का यहाँ तो ये है, जो पाइपलाइन पुरानी डली हुई थी, जब रोड बनी थी वो पाइपलाइन पूरी तरह से दबके टूट चुकी है। अब पानी इन्होंने खोला है, आते भी हैं विधायक जी तो अपने जो उनके अपने लोग हैं उन्हीं से मिलके अपने चले जाते हैं, आम जनता से उनको मिलने का कोई वो नहीं है। यहाँ पर संजीव नगर है, संजीव नगर में किसी घर पर पानी नहीं है। कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं आप? पानी की व्यवस्था टैंकरों से आता है, किसी दिन टैंकर नहीं आता तो बैठे रहते हैं। अभी तो टैंकरों से कभी नहीं आते तो 24 घंटे प्यासे बैठे रहते हैं। पानी के लिए पानी है ही नहीं है, टैंकर आते हैं तो पानी लेते हैं, नहीं लेते नहीं। तो फिर हम क्यों वोट देंगे? जब हमारी समस्या हल नहीं हो रही तो हम क्यों वोट देंगे? अरे बहुत परेशानी है, टैंकर भी नहीं आते हैं, बाजी समय प्यासे बैठे रहते हैं। प्यासे मर चले, नहाने के लिए कपड़ा साफ करने के लिए मर चले, पैसा हुए तो ले लेंगे नहीं तो बैठे। कोई विधायक ने भाई सुना भाई ना कर। दूसरे दावे में विधायक ने ग्रामीण इलाकों के लिए नहरों में पानी लाने के लिए अथक प्रयासों की बात कही। जो हमारा ग्रामीण इलाका था, हमारी एतमादपुर की नहरों में पिछले 25 साल से
पानी नहीं आया था, हमने उसके लिए भी मेरठ तक हमें जाना पड़ा, वहाँ भी आंदोलन करना पड़ा, मथुरा भी आंदोलन किया। आज हमारी नहरों में पानी आने लगा, लेकिन अभी भरपूर नहीं आया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन काफी पानी हमारे किसानों को मिलने लगा है। इसी की सत्यता जानने के लिए जब हम एतबारपुर के गांव अगवार पहुंचे तो पता चला कि वहां की नहर में सालों से पानी ही नहीं आया और लोग नलकूपों से खेती करते हैं, लेकिन लोगों ने माना कि कुछ हद तक विधायक ने प्रयास जरूर किए। जमीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू हम कराते हैं आपको। इस वक्त इतमादपुर विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। नहरों की अगर बात करें तो इस वक्त हम नहर में खड़े हुए हैं। इस नहर में पानी सालों से नहीं आया, जबकि धर्मपाल जी का कहना है कि पूरे क्षेत्र में जितनी भी नहर है उसमें पानी 24 घंटे आता है। यहाँ के किसान बेहद परेशान है। कभी भी इस क्षेत्र में डॉक्टर धर्मपाल कभी समस्या सुनने के लिए नहीं आए। किसानों का कहना है कि जो भी खेती के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं वो ट्यूबवेलों से करते हैं, जिसका उन्होंने बिल पे करना पड़ता है। वर्तमान सरकार ने किसानों के नलकूपों का जो बिल था, जो पहले 130 रुपए होता था, उसे 160 कर दिया और उसे बढ़ा के फिर 220 कर दिया। उसके लिए हम लोगों ने जोरदार आंदोलन किया, सरकार को मंजूर होकर उस बिल को घटाकर 160 रुपए पर हॉर्सपावर पर किसानों के लिए करना पड़ा। इस बात पर लोगों का कहना है कि प्रयास भी किए और आंदोलन भी किए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार रहा। कोई रियायत नहीं दिलवाई यहाँ पे, हो जाए उतने हैं उतने बिल लग रहे हैं पहले से ही। कोई रियायत नहीं दिलवाई, कोई रियायत नहीं दिलवाई है। कभी धर्मपाल से मिले आप? मिले, कई बार मिले, दिलवाएंगे, कह रहे हैं कब, हमने ऊपर शिकायत की करेंगे, लेकिन कोई रियायत नहीं आई अभी तक। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको ऊपर से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्रॉपर पूरा बिल दे रहे हैं हम, कोई रियायत नहीं है, पूरा बिल पे कर रहे हैं हम, उसमें आज तक कोई रियायत नहीं है। विधायक धर्मपाल ने सड़कों के सुदृढ़ीकरण का दावा किया। जो हमारी देहात की मुख्य सड़कें थीं, चाहे वो एतमादपुर बरहन हो, चाहे वो भागुपुर से अगवार होते हुए सिकतरा तक हो, चाहे हमारी बांस बादाम वाली सड़क हो, चाहे हमारी बहरन से सपूर सड़क हो, वो सड़कें भी हमने स्वीकृत करा ली और उन पर तेजी से काम चल रहा है। हमारे शहरी क्षेत्र में जो नाले थे, कच्चे नाले थे, उन नालों को भी हमने पक्का करवा दिया। सड़कों की हालत विधायक के दावों के विपरीत मिली और लोग भी खासे नाखुश नजर आए। सड़क खराब है बिल्कुल, पैदल ना लेकर आ रहा हूँ, कोई सुनो कोई विकास ना है बिल्कुल। इधर धर्मपाल सिंह नेताजी एक कुछ दिन ना आई, सब सड़क फूटी डरी है, निकलो ना जाए रहो, और पानी बरसा होते है तो निकलो ना जाए, सड़क पैक है तो बुका हमने बिगाड़ दी है। लहरिया कहाँ आएगी है विधानसभा में, तो कैफ ना आज तो बंजर डरो आठ क्षेत्र ज्यादा ये सड़क की जिंदगी यहाँ लिखरवे लाग गलना है, मेड़ पे तो नहीं कट जाते हैं, पहले हम लिखरवे को बंद है। मलिन बस्ती में काफी विकास कार्य कराने का विधायक ने दावा किया। हमारे शहरी क्षेत्र में एक बीएसयूपी की योजना चल रही थी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी ने 70 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई थी, वो योजना अधूरी रह गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने रोक दिया था। मैंने प्रयास किया, उसका भी पैसा रिलीज हो गया, तो हमारी जो मलिन बस्तियां हैं, जो हमारी गरीब बस्तियां हैं, उन पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही एक मानवर काशीराम जी के नाम पर जो शहरी विकास योजना थी, उसका भी पैसा सरकार ने पहले रोक लिया था, फिर प्रयास हम लोगों ने किए तो 2 करोड़ रुपया रिलीज होके और हमारी जो जलेसर रोड है उसकी ओर पार की बस्तियों पर काम भी हो गया है। पड़ताल में विकास के हालात तो नर्क से भी बदतर नजर आए। सुलभ शौचालय की बात करें तो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, सीवर टैंक फूट चुका है, उसका सारा वेस्टेज पास में ही एक छोटे से पार्क में इकट्ठा होता रहता है। बस्ती के लोग बदबू से परेशान हैं। इस वक्त इतमादपुर विधानसभा की एक मलिन बस्ती में हम खड़े हैं, उसका जायजा लेने के लिए दिखाना चाहेंगे एक मलिन बस्ती की इस वक्त क्या हालत है। इस वक्त हम एक पार्क में खड़े हैं, जो मलिन बस्ती में ये पार्क पड़ता है, चारों तरफ से बाउंड्री दिखाना चाहेंगे, टूटी हुई पड़ी है, और जो शौचालय मलिन बस्ती में बने हुए हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, चारों तरफ से टैंक फूटे हुए हैं। हालत कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि जो मलिन बस्ती है उसकी हालत नरक से भी
बस्तर हो चुकी है। यही नहीं, पार्क पूरी तरह से टूटा हुआ है और जो घर बने हुए हैं उसके लोग इस पार्क की वजह से जो गंदगी बनी हुई है बेहद परेशान है। और कहीं ना कहीं इस ओर एतमादपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह का कहना है कि मलिन बस्तियों में काफी विकास कराया है। यहाँ की जनता से जब बात की गई तो जनता का साफ तौर से ये कहना है कि विधायक जी कभी इस क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए नहीं आए। बहरा एतमादपुर में 14वीं विधानसभा को छोड़कर 1996 से बीएसपी का विधायक काबिज है। इस दौरान पार्टी सत्ता में भी रही लेकिन विधानसभा का हाल कुछ अच्छा नहीं है। 1993 के बाद से वापसी की राह देख रही सपा और पहली बार खाता खोलने की कोशिश में जुटी बीजेपी को भी यहां एक मौका नजर आ रहा है। देखना होगा 2017 में एतमादपुर की जनता किसके साथ जाती है। एतमादपुर से समाचार प्लस के लिए शिव चौहान की रिपोर्ट।